हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज डीएसएसबी टीजीटी की बात करेंगे, क्योंकि पीआरटी के बारे में मैंने पहले वीडियो डाला था कि आपको कैसे तैयारी करनी है, वो बहुत बच्चों ने देखा है और एक दो दिन में उसी प्रकार की वीडियोज और भी हम लेकर आएंगे। जैसे वीडियो डाला उस समय आपको बताया था कि वैकेंसी जल्दी आ सकती है, वो वैकेंसी आई भी, बच्चे फॉर्म भी अप्लाई कर रहे हैं और तैयारी में भी लगे हैं। अब बात करते हैं टीजीटी वालों की और फिर हम देखेंगे पीजीटी वालों को, क्योंकि जितने भी इंडिया में टीजीटी एग्जाम है सबको लेकर के आपके लिए हम वीडियोज लाते हैं, सबका आपको स्टडी मटेरियल देते हैं, सबकी आप लोगों को क्लासेस देते हैं और इंटरव्यू के समय तक आप लोगों को प्रिपेयर करते हैं। चाहे आपका केवीएस का, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का हो, चाहे डीएसएसबी का हो, चाहे सीटेट का हो, चाहे आरोही जैसे एग्जाम हो, चाहे एचटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, एमपीटेट, हरियाणा, जितने भी एग्जाम हैं सबको लेकर के आपको हमारे चैनल पर पूरी जानकारियां आमतौर पर मिल जाती हैं। तो आइए हम डीएसएसबी टीजीटी की बात करते हैं। जो बच्चे डीएसएसबी के टीजीटी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना है, कब वैकेंसी आएगी, क्या क्या सावधानियां रखनी है और तैयारी को आज से शुरू करके वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं सबका स्टडी मटेरियल हम बाई कोरियर देते हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने घर पर ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। आइए आप देखते हैं डिटेल। सबसे पहले मुद्दा यह आता है कि वैकेंसी कब आएगी। अभी जो पीआरटी की वैकेंसी चल रही है उनमें डीएसएसबी टीजीटी वालों को या जिनका बीएड है उनको चांस नहीं दिया गया है, क्योंकि एनसीटी का तो आदेश यही था कि बीएड वाले पीआरटी में अप्लाई करेंगे, लेकिन डीएसएसबी ने दिल्ली सरकार ने इसको मान्यता नहीं दी थी, जिसकी वजह से पिछली बार भी बच्चे परेशान हुए और अब की बार भी सेम स्थिति है। लेकिन जो केवीएस वगैरह है या बाकी सब जगह है वहां पर बीएड वाले पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं और उन बच्चों को सीटेट भी, उन लोगों ने ऑलरेडी बहुत से बच्चों ने अब की बार पास कर लिया है, अगली बार भी करेंगे। कुछ बच्चे ये बोल देते हैं सर बीएड वालों को डीएसएसबी में पीआरटी में तो मौका दे नहीं रहे, फिर सीटेट करने का फायदा क्या। सीटेट आप लोग सिर्फ डीएसएसबी के लिए नहीं करते हैं, सीटेट आप केवीएस के लिए करते हैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए आप तैयारी के लिए करते हैं, दूसरी संस्थाओं के लिए करते हैं, अपने अपने राज्यों के लिए करते हैं और हो सकता है कि कुछ समय बाद डीएसएसबी भी इसको परमिशन दे दे। तो ऐसा है नहीं कि जिस दिन परमिशन मिल गई उसी दिन आप सीटेट कर लोगे, हो सकता है उसके आसपास सीटेट हो ही ना, या फिर आप कर ही ना पाओ या तैयारी ही अच्छी ना हो पाए। तो इसलिए ये एक सिर्फ एलिजिबिलिटी है, इसको सीटेट को तो आपको करके निकलना ही पड़ेगा। तो अब बात करते हैं डीएसएसबी की टीजीटी की वैकेंसी की। जो बच्चे पीआरटी में अप्लाई नहीं कर पाए या कर पा रहे हैं वो बच्चे निराश ना हो, आप लोगों के लिए डीएसएसबी की टीजीटी की और पीजीटी की वैकेंसी मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, जितना जल्दी हो सकता है इस वैकेंसी को रिलीज कर दिया जाएगा पीआरटी वाले लास्ट डेट होने के आसपास तक। ये ज्यादातर लोग मान के चल रहे हैं, वो इसलिए मान के चल रहे हैं कि जो राज्य उपराज्यपाल के थ्रू जो मंजूरी दी गई थी और जो डीएसएसबी ने जो कहा था, जो डीओई ने कहा था दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, उसके अकॉर्डिंग टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी पहले आने थी और पीआरटी की बात में। चलो अब वो पहले आ गई तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह है कि पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी भी आपके लिए बिल्कुल सर पर है, कभी भी आ सकती है, डीएसएसबी वाली और केवीएस वाली, इन चीजों को आप बिल्कुल ध्यान में रखकर चले। दूसरी बात रहे कि चलो सर वैकेंसी अगर आ रही है तो 2-3-4 महीने हम लोगों को मिल रहे हैं, तो इस दौरान हम क्या करें, हम कोचिंग करें या फिर सेल्फ स्टडी करें। दोस्तों सबसे पहली बात मैं बता दूं, जितने भी कोचिंग के बैचेज होते हैं वो सारे नोटिफिकेशन के बाद शुरू होते हैं। हालांकि आज भी आप चले जाओगे तो आज भी, अभी एनवीएस का खत्म हुआ है, अगर आज भी कहीं चले जाओगे कुछ कोचिंग वालों के पास, उनको बोले कि आने वाला जब भी एनवीएस आएगा मुझे उसके लिए तैयारी करनी है, बैच है, वो बोलेंगे हाँ बैच चल रहा है बैठ जाइए, वो आपको सीटेट में बैठा देंगे, केवीएस में, कहीं भी घुसा देंगे, वो किसी भी बैच में, एसएससी में बैठाने की हिम्मत रखते हैं लोग, इस तरीके के पागल बना लेते हैं। तो इसलिए जब भी कोचिंग वगैरह जब एक्चुअल बैच स्टार्ट होते हैं सीरियस वाले, वो आफ्टर नोटिफिकेशन होते हैं, 2-2.5-3 महीने का जो सीजन होता है उसी में चलते हैं, उसमें कौन कोचिंग अच्छा है कौन बुरा ये बात नहीं है,
वहां पर गाइडेंस दी जाती है। किसी कोचिंग में कोई टीचर अच्छा हो सकता है एक सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का कमजोर हो सकता है, ये आप लोगों को एडजस्ट करना होता है। वहां पर सिर्फ गाइडेंस मिलेगी आप लोगों को, एक मार्गदर्शन मिलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हर किसी का अपना अपना अनुभव हो सकता है, लेकिन आप लोगों को मेहनत जो है वो सारी खुद करनी पड़ेगी, उसमें कोई कोताही नहीं होगी, वो आपको कोई और करके नहीं देगा। तो इसका मतलब कोचिंग नहीं तो सेल्फ स्टडी, बिल्कुल सेल्फ स्टडी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन लेकर निकलते हैं, क्योंकि आखिर में कोचिंग के बावजूद भी सेल्फ स्टडी तो आपको फिर भी करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी, ये कोचिंग लो या ना लो। अगर नहीं लेते हैं तो एक घंटा एक्स्ट्रा से ही, आजकल तो सारी गाइडेंस आप लोगों को चैनल्स पे भी हमारे पे तो मिलती रहती है, तो इसलिए आप सेल्फ स्टडी प्रेफर कर सकते हैं। अब मुद्दा आएगा कि आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो क्या पढ़ेंगे और कितना समझ चाहिए। अगर सेल्फ स्टडी आप करते हैं दोस्तों, अगर कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग वाले अपने हिसाब से आपको नोट्स तो प्रोवाइड करवाते ही हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो भी आपके पास जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी क्या बढ़ जाती है, आपके ऊपर ही जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो कुछ करना है वो आपको खुद ही करना है। स्टडी मटेरियल आपने चूज करना है, कंटेंट आपने देखना है, अच्छी किताबें आपने देखनी है, यानी हर चीज आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को थोड़ा सा सचेत होना है, अप टू डेट चीजें लेनी है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चीजें लेनी है, और जहां भी थोड़ी बहुत कमी दिखती है वहां पर अपने आप को कहीं से भी तैयार करने करके रखना पड़ेगा। तैयारी के लिए समय की बात, अगला पॉइंट आपका यहां पर है कि तैयारी के लिए कितना समय चाहिए। ये क्वेश्चन मैं जितनी भी वीडियोज हम डालते हैं हर जगह मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूं, क्योंकि ये हर बच्चे का अपना अपना होता है। केवीएस वाले अपने हिसाब से पूछते हैं, डीएसएसबी वाले अपने हिसाब से पूछते हैं। दोस्तों तैयारी के लिए समय की जहां तक बात है, हर एग्जाम की तैयारी के लिए एक अच्छा समय चाहिए, लेकिन अच्छा समय पूछेंगे तो कितना होगा। दोस्तों अगर इस लेवल पे जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर कहीं ना कहीं या तो जॉब कर रहे होते हैं या फिर कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे होते हैं, या उनका यानी समय का उनके जो टाइमिंग है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी बिजी होता है, व्यस्त होता है, वो उसमें कहीं ना कहीं स्टक होते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, अगर आप 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, 10 to 6 की जॉब कर रहे हैं, या फिर कहीं भी पढ़ा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप उस काम को निकाल करके फिर जो 5-6 घंटे आप निकाल सकते हैं वो आप कोशिश करें कि डेली निकल जाए, कभी 3 निकल जाए, कभी 4 घंटे निकल जाए, वीकेंड पे आप 7-8 घंटे भी निकाल लो, तो ये आपके लिए सेल्फ स्टडी का एक अच्छा माध्यम है। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, रूटीन में हो सकता है कि एक दिन आप ना पढ़ पाओ, लेकिन अगले दिन आपको थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन अगर पढ़ाई नहीं हुई तो उस दिन का आपको थोड़ा सा फील होना चाहिए कि यार मैं कल कुछ नहीं कर पाया, तो अगले दिन आपको उसका बदला लेना है, यानी उस समय को थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालना है। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप समय कम दे पा रहे हैं तो आप महीने ज्यादा दे दीजिए, अगर आपको लगता है कि आप 5 घंटे नहीं आप तो 3 ही घंटे दे पा रहे हो, तो फिर 2-3 महीने की बजाय आप 5-6 महीने से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि वो चीजें सारी आपकी कवरअप हो जाएं। अगर 2-2.5 घंटे का टाइम रोज निकाल लेते हैं 2-3 घंटे का, तो 4 से 5 महीने आपके लिए सफिशियंट होते हैं। आप एक एक सब्जेक्ट को लेकर चलिए, एक सप्ताह आप एक पढ़ेंगे, दूसरे सप्ताह आप दूसरा पढ़ेंगे, तीसरे सप्ताह आप तीसरा पढ़ेंगे, या फिर 2 दिन आप एक करेंगे, अगले 2 दिन आप एक करेंगे, अगले 2 दिन आप एक करेंगे। ये स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपको उस तरीके से, ऐसा नहीं है कि सुबह 9 से 10 तक आप हिंदी, 10 से 11 तक इंग्लिश, 11 से 12 तक जीके, वो समय अब जा चुका है। उस तरीके की हालांकि अपनी अपनी सोच हो सकती है, अपना अपना एक प्रकार से आप लोगों को वो अच्छा लग सकता है, आसान हो सकता है आपके लिए, लेकिन अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए पैमाने स्कूल टाइप के नहीं होते हैं, आपको एक कॉम्पिटिशन एग्जाम से तैयारी के हिसाब से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप कोशिश करें कोई हर दिन कम से कम एक दिन तो अपने सब्जेक्ट को जरूर दें, एक एक सब्जेक्ट को एक एक दिन तो दे कम से कम। आज मैथ करने लगे हैं तो कम से कम 5-7 घंटे आप मैथ पर बिताइए अच्छे से, कई लेक्चर को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, रूल्स को देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, उन चीजों पर आपको लगाना पड़ेगा। एक दिन आपका रीजनिंग है तो कम से कम रीजनिंग के कुछ एक टॉपिक को करना है, कम से कम 1-2 प्रैक्टिस सेट को सोल्व करना है, 2-4 अच्छे लेक्चर्स देखने हैं, तो ये आपको एक अच्छा तरीका होना चाहिए, मैं खासकर ये मानता हूं। तो इसलिए तैयारी के लिए समय की बात हम यहां कर रहे थे। उसके बाद बात आएगी आपकी क्या होता है पैटर्न, जो बच्चों ने अब तक नहीं दिया है या फिर जो बच्चे भूल जाते हैं कभी कभी, या फिर कोई डाउट होता है तो उनकी बात करेंगे। टोटल मार्क्स जो आपके रहेंगे वो 200 नंबर के रहेंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें 200 ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। एग्जाम टाइम जो है वो आपका 180 के हिसाब से रखा गया है यहां पर आमतौर पर, तो यही आपका टाइमिंग रहेगी, इसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आप लोग अगर आप डीएसएसबी टीजीटी, सिर्फ टीजीटी वालों की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ टीजीटी, अगर आप डीएसएसबी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना नाम और साथ में टीजीटी
और आपने अपने सब्जेक्ट सिटी का नाम, नाम पीजीटी और अपने सिटी का नाम डीएसएसबी के साथ, ये सारी चीजें आप लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। जैसी वैकेंसी आएगी या अभी से जो तैयारी हम शुरू कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को गाइड किया जाता रहेगा। उसके बाद बात करते हैं मीडियम की। दोस्तों डीएसएसबी में टीजीटी का जो पेपर होता है, टीजीटी हो, पीआरटी हो, पीजीटी हो, एक ही बात मैं लेके चल रहा हूं। तो यहां खास करके जो आपका एग्जाम होगा वो बायलैंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, यानी बायलैंगुअल होगा आपको। उसमें आप लोगों को किसी प्रकार के घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग अगर बच्चों का क्वेश्चन होता है तो मैं कहता हूं कि यस नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.25 है, यानी 1/4 है। यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक नंबर काट लिया जाएगा, अगर आपने 8 गलत किए तो आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे। यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा सचेत होकर के, थोड़ा सा कंसंट्रेशन कर करके अपने पेपर को सोल्व करना होता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप डरते रहिए, आप कोई क्वेश्चन ही सोल्व ना करो, नहीं नेगेटिव मार्किंग है, मेरे तो नंबर खा जाएंगे, मेरे तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। नेगेटिव मार्किंग के दौरान भी आपने कैसे नंबरों को निकाल लेना है इसकी भी स्ट्रेटजी हम अपलोड कर चुके हैं, एक दो दिन में उसको दोबारा अपलोड भी कर देंगे ताकि बच्चों ने नहीं देखा है तो वो दोबारा देख लेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को गाइडेंस के आधार पर ऐसी जगह मिलेंगी जहां पर लोगों ने कुछ किया है। आजकल यूट्यूब पे आप देखोगे जिन लोगों ने कभी कोई एग्जाम ही नहीं दिया वो भी चैनल बना करके पूरा दिन आगे सामने किताब रखी होती है और बोर्ड पे लगे रहते हैं, एक लेक्चर पे, एक पेज पे एक लेक्चर लिखा और उसको देख देख करके उसके ऊपर करते रहते हैं। ये चीजें आप लोगों को सीखने से मिलेंगे। दोस्तों हम जैसे, हमारे जैसे जितने भी साथी पुराने हैं जिनका 10-10 11-11 12-12 15-15 साल का अनुभव है टीचिंग लाइन में, वहीं पर आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी। वरना ये पैसा कमाने की दौड़ में जो यूट्यूब पे आ चुके हैं उन लोगों को इन चीजों का अनुभव नहीं होता है, और बच्चों का टाइम और बच्चों का जो अब चांस, खास करके जो मौका बच्चों को जो मिलता है एक बार में, वो जो आप डिस्ट्रॉय करते हो, जो बर्बाद करते हो, जो खराब करते हो, उनका उनको आभास भी नहीं है क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता इन चीजों का। तो अगर आपको राइट गाइडेंस चाहिए तो कम से कम राइट पर्सन को आप चूज करें, क्योंकि सिलेक्शन के लिए बढ़िया गाइडेंस, बढ़िया कंटेंट और बढ़िया तैयारी, ये तीन चीजें बहुत मैटर करती हैं। वरना आप देखोगे यूट्यूब पे आप निकल जाइए, आपको इतने चैनल मिल जाएंगे जिनमें से कुछ लोगों को तो यही नहीं पता है कि एग्जाम की कंडीशंस क्या होती हैं, एग्जाम का लेवल क्या होता है, एग्जाम का कट ऑफ कैसे होता है, यानी उनको पता ही नहीं है। उन्हें सिर्फ ये देखना है कि भाई यूट्यूब पे वीडियो बना लो, उधर से बुक रख लो, उसमें से देख देख कर लिखते रहो, 2-4 चीजें इधर उधर देख करके बोलते रहो और बस बात। अगर जरा सा भी कोई काउंटर क्वेश्चन आ गया तो लोगों को पता ही नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को बहुत सी चीजों को लेकर के चलना पड़ता है। तो दोस्तों ये बात हमारी नेगेटिव मार्किंग की रही, चलो वो तो होती रहेंगी हमारी बातें। उसके बाद आपकी टाइप ऑफ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होंगे, मल्टी च्वाइस क्वेश्चन होंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें से राइट ऑप्शन को आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं द बोर्ड रिजर्व इट्स राइट टू प्रिस्क्राइब ए मिनिमम कट ऑफ मार्क फॉर एनी पोस्ट एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। जो बोर्ड होता है, यानी डीएसएसबी की बात हम यहां कर रहे हैं, जो बोर्ड होता है उसके पास ये राइट होता है, रिजर्व में राइट होता है कि वो किसी भी कट ऑफ, किसी भी सब्जेक्ट की कट ऑफ को अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट के आधार पर कम ज्यादा कर सकता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कम वो कर सकता है, ऑटोमेटिकली उसके पास ये राइट होता है। और दूसरी बात रही द बोर्ड रिजर्व इट्स राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द पोस्ट एज पर अवेलेबिलिटी, और बोर्ड के पास ये भी राइट होता है कि वो उपलब्धता के आधार पर, अवेलेबिलिटी के आधार पर सीटों को कम ज्यादा कर सकता है। लास्ट टाइम आपने केवीएस में देखा पीआरटी की सीटें कम की गई, टीजीटी पीजीटी की सीटें बढ़ाई गई, ये हर बोर्ड के पास अपना राइट है, DSSB के पास भी ये राइट होता है। उसके बाद बात करते हैं जो आपका टीजीटी वाला जो पेपर होता है, टीजीटी की बात यहां पर कर रहा हूं मैं, टीजीटी वाला जो पेपर होता है उसके आपके 2 पार्ट होंगे, एक आपका कॉमन पार्ट होगा जिसमें आप लोग हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस या जीके और करंट अफेयर, ये पोर्शन आपका होगा जिसमें आप लोगों को 100 नंबर का पेपर का पोर्शन ये रहेगा। हालांकि पेपर पूरा एक ही होगा लेकिन 2 हिस्सों में सुविधा के लिए बांट रखा है, एक को आप जनरल या कॉमन पेपर बोलते हैं और दूसरे को जैसे आप दिख रहा है सब्जेक्ट देख सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को खास करके हिंदी वाला पोर्शन जहां तक यहां देखोगे तो कॉमन सब्जेक्ट में 20 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन होंगे जिसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चन होगा और पैसेजेज होंगे। इंग्लिश में भी ग्रामेटिकल पोर्शन होगा, साथ में आपके पैसेजेज होंगे, 20 नंबर का पार्ट होगा। मैथमेटिक्स में आपका जनरल जो मैथ है 6 to 10th वाला, वो आपका
रहेगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सारे के सारे वो 10 से 12 जो जनरल टॉपिक होते हैं वही रहेंगे। आपको बहुत ज्यादा गहराइयों में घुसने की जरूरत नहीं है। अगर आपका टीजीटी मैथ है तो सब्जेक्ट वाले में आप ग्रेजुएशन तक ले जाइए चाहे, लेकिन जनरल पेपर में आपको बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं होती है। फोबिया मत रखिए। रीजनिंग आपकी जो 20 नंबर की होगी वो जनरल रीजनिंग होगी जो हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आती है। उसमें से आप लोग अगर ठीक ठाक मेहनत करते हैं तो 15, 16, 17, 18 तक आप लोग आराम से निकाल लेते हैं। 18, 20 नंबर भी बच्चे कई बार इसमें ले लेते हैं। डी की बात जहां तक है, 6 महीने के करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस के 6-7 टॉपिक होते हैं और उसके साथ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी, ये वाले जो 20 क्वेश्चन हैं वो इस पोर्शन को आपको देख के चलने पड़ेंगे। उसके बाद रहेगी बात आपकी सब्जेक्ट की, तो जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, चाहे आपका SST है, चाहे आपका मैथ है, चाहे आपका साइंस है, चाहे आपका हिंदी है, चाहे आपका इंग्लिश है, जो भी आपने BEd में आपका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट था वही आपका रहेगा, वो आपका यहां पर पूरे का पूरा 100 नंबर का रहेगा, जिसे आप लोग कंसर्न सब्जेक्ट कहते हैं। तो कंसर्न सब्जेक्ट भी आपने देख लेना है और कंसर्न सब्जेक्ट के साथ साथ आपने इसको एक अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि जनरल पेपर भी आपका पूरा हो और आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट भी पूरा हो जाए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां TGT के लिए देखनी है, यानी TGT की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को तरीके से चलना पड़ेगा। और ये जो TGT का मैंने बताया है, इसी में आपको लोगों को PGT की अगर तैयारी करनी है तो अपने सब्जेक्ट को लेकर के और जनरल सब्जेक्ट को लेकर के आप वहां भी आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। फिर वही कहूंगा कि आप अपना नाम और अपना TGT या PGT DSSB जो भी है, यानी अपना नाम DSSB TGT या DSSB PGT और उसके साथ सिटी, जैसे आप दिल्ली से हैं तो ये लिख करके इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, आपके नंबर को सेव कर लेंगे, जितनी भी जरूरी जानकारी होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। उसके साथ साथ अगर आप मटेरियल ऑर्डर करना चाहते हैं तो पूरे भारत में, ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल जाता है, चाहे PRT का हो, चाहे TGT का हो, चाहे PGT का हो, चाहे प्रिंसिपल का हो, वाइस प्रिंसिपल का हो, KVS, NVS, CTET, UPTET, SuperTET, HaryanaTET, MPTET, ROE, Atomic Energy, जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं, आप लोगों को हम पूरा मटेरियल और पूरी मेहनत आप लोगों को हम कोशिश